हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? देखो, फ्री का कुछ सामान कभी कभी आता है लेकिन वो अच्छा निकलता है। मैंने क्रस्ट का सीजन 1 का भी आपके साथ रिव्यू किया था, करीबन 10 महीने के आसपास ये पहले आया था। 6 एपिसोड थे और बहुत ही अलग तरीके का इसका ट्रीटमेंट था। देखो, स्कूल के ऊपर जो ड्रामास बनते हैं ना, स्पेसिफिकली 10th स्टैंडर्ड से नीचे वाले, वो बहुत कम है। और उनके इश्यूज और क्या वो सोचते हैं, किस इनसिक्योरिटी से बीत रहे होते हैं, वो क्रश्ड के सीजन में हमने बहुत अच्छा दिखाया था। दूसरा सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एक बैलेंस मेंटेन करना अचीवर्स के साथ और साइड किक्स के साथ। स्पेसिफिकली संविधान का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी बढ़िया लगा था लोगों को। प्रतीक जो उसका रेस्क्यूअर है छोटू से, जिन्होंने सीजन 1 देख लिया है उनको पता है, तो वो जो दोस्ती है वो इतनी ज़्यादा आपको रियल लगती है। आपको ऐसा लगता है कि यार, जब मैं भी स्कूल में था तो ऐसा ही कुछ था। और मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दोस मिडिल बेंचर्स, ना तो हम फ्रंट बेंचर्स थे ना बैक बेंचर्स थे, हम मिडिल बेंचर्स थे जो ज़्यादातर दुनिया में होते हैं। और साथ साथ में फिर वो खूबसूरत औरत भी होती है या लड़की होती है उस टाइम पे, तो जब आपको उससे मोहब्बत हो जाती है, इन्फैटुएशन हो जाती है, और उसके साथ में भी उसकी कोई फ्रेंड होती है जो काफ़ी रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो सीजन 1 वॉज फुल ऑफ ड्रामा, कॉमेडी, बैक टू स्कूल वाली यादें, इनसिक्योरिटीज़। वैसे जो लोग तो स्कूल के अंदर हैं वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे, कोई ना कोई कैरेक्टर से अपने आप को लिंक भी करना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। और जो फ्रेंडशिप होती है उस टाइम की, वो टू बिग हो जाती है, मतलब उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। तो इस तरीके की चीजें थी। आप इस बारी जो होने वाला है ये सब कुछ दोबारा से आपको देखने को मिलेगा। जो इंटेंसिटी है, हालांकि मैं ये बोलूँगा, थोड़ी सी कम हो गई है। इन सब की स्टोरी आगे आगे बढ़ती हैं। संविधान क्यों गायब है स्कूल से ये आपको पता चलेगा। प्रतीक और उसका न्यू फाउंड लव जो है वो किस तरीके से एक जुगलबंदी में अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं छोटू से। और उसके बाद जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि 10th स्टैंडर्ड है इस बारी, तो किस तरीके से वहाँ फोकस रखना है। कॉम्पिटिशन भी एक आ रहा है स्कूल के अंदर, नए स्कूल में स्टूडेंट भी आ रहा है, समर्थ जिसका शॉर्ट फॉर्म भी सैम है, तो अध्याय इससे कैसे उभरेगी? क्योंकि सीजन 1 के अंदर आपको पता ही है कि अध्याय और संविधान के साथ क्या हुआ था। जिन्होंने नहीं देखा तो मैं ज्यादा थोड़ा ज्यादा बताता नहीं हूं। और ये जो अध्याय का पूरा प्रोसेस है टू हाउ मूव ऑन, ये वाला आपको जो आस्पेक्ट है वो अच्छा दिखेगा। और साथ ही साथ में जो रॉक स्टार है जैस्मिन, उसका जो रिलेशनशिप डायनामिक्स होने वाला है इस बारी, वो भी कुछ ना कुछ सीख देखे जाता है। ये जितना भी सीरीज है ये आपको कुछ ना कुछ एक लेसन भी देखे जाती है, हाउ टू हैंडल दीज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीनेज। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेसन भी है, कुछ ना कुछ रियल चीज़ें भी हैं, रिलेटेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से आपको ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने लग जाती है। मुझे तो हमेशा ये क्रश देख के थोड़ा सा यंगर फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी इन दैट एज, यू हैव टू बी इन दैट माइंड सेट। सो आई गेट इन टू दैट माइंड सेट ऑफ अ स्कूल बॉय व्हेन आई एम सीइंग क्रश्ड। सो बड़ा अच्छा लगता है ये देख के। और वैसे ही मेरी फीलिंग हो जाती है जब मैं कॉलेज रोमांस जैसा कुछ सीरीज देखता हूँ, तो उसमें भी ऐसी तरीके के माइंड सेट से मैं उसको देखता हूँ। तो बाकी अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा डाउन साइड यही है कि जिस तरीके की जो न्यूनेस थी वो थोड़ी सी यहाँ पर मिसिंग है। और कुछ सीरीज के हाईलाइटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो आप मिस करने लग जाते हो, जैसे संविधान का यहाँ जो कैरेक्टर हो थोड़ा आप मिस जरूर करोगे। जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है वो मेकअप करने की कोशिश तो करता है, बट जो सादगी सैम और उसकी कंफ्यूजन के अंदर थी, जो रियल वो था, वो थोड़ा सा मिस तो जरूर करते हो। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।